हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार काफ़ी टाइम से मैंने अपने चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड किया है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आज पंजाबी खिचड़ी बनाई जाए। ये पंजाबी तड़के वाली खिचड़ी है जो कि चना दाल डाल के बनती है, और इसको शूट किया जाए और आप सबको दिखाया जाए कि ये कैसे बनती है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और अगर आपको झटपट से भूख लगी है ना और कुछ भी मन नहीं करा बनाने को, तो यही फटाफट बना लीजिए आप। बहुत ही ईजी है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया है तेल गर्म होने के लिए। ये सारे खड़े मसाले, जीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता इसमें एक मिनट के लिए डाल दीजिए, इसमें सौटे होने दीजिए। और उसके बाद इसमें पड़ेगा ये रफली चॉप्ड प्याज, दो प्याज के लगभग मैंने इसमें लिया है, और इसको डाल के आपको अच्छे से इसको भून लेना है। और इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी क्योंकि इसमें सारे खड़े मसाले पड़े हैं, और यही मेन मोटिव होता है कि पंजाबी तड़का खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें ये सारे मसाले तो जाने ही जाने हैं, और प्लस इसमें हरी मिर्ची तो जानी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसमें डाल दीजिए और भूनने दीजिए तो इसकी भी स्मेल इसमें बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद जब अच्छे से हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चॉप्ड जो है ग्रीन चिल्ली, ग्रेटेड अदरक, और दो लगभग के मैंने टमाटर लिए हैं इसमें छोटे वाले, इसको आप डाल दीजिए। और टमाटर डाला है तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और इसको बस हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने इसमें थोड़ी सी जो है लाल मिर्ची डाल दी है, आप भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्ची डाल चुकी हूँ अच्छे से, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी लाल मिर्ची डाली है और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला है इसमें। बस इसको थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। अब जो है मसाला अच्छे से हो गया है, तो हमने ये जो भीगी हुई चने की दाल है वो हम इसमें डाल देंगे। इसको 4 घंटे हो गए हैं भीगते हुए, ये अच्छे से फूल गई है। बस हम इसको डाल के थोड़ी देर के लिए मसाले में जो है पकाएंगे ताकि इसमें जो है अच्छा सा एक स्वाद आ जाए, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल। तो अब चावल डालने हैं, तो ये चावल जो है हमने पहले ही धुल दिए थे और इसको भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये भी अच्छे से फूल गए हैं, तभी आपकी खिली खिली खिचड़ी बनेगी अगर आप दाल चावल दोनों को जो है सोख करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो हम इसमें चावल डाल रहे हैं, चावल डाल के बस थोड़ी देर सौटे कर लीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से डालिए कि जिस हिसाब से आपके चावल पानी लेते हैं उस हिसाब से आप इसमें चावल डालिए, और अच्छे से खिली खिली खिचड़ी आपकी तैयार होगी। पानी डाल के थोड़ी देर के लिए बस बॉईल होने दीजिए, और उसके बाद ये कुकर की लिड लगा दीजिए और एक विसल तक आपको इसको पकाना है, उसके बाद गैस बंद करके कुकर को ठंडा होने दीजिए। ये देखिए हमारी पंजाबी तड़का खिचड़ी जो है तैयार हो गई है। इसको आप गार्निश करिए हरी धनिया से, बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है ये, और इसको आप सर्व करिए अच्छे से, सबको घर में खिलाइए। छोटी मोटी भूख के लिए तो ये बहुत ही इजी है, आप झटपट इसको बना के खा सकते हैं। तो आप ये
चना दाल खिचड़ी ज़रूर बना के ट्राई करिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। खुद भी खाइए और सारी फैमिली को खिलाइए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उनसे जिनसे आपको ये खिचड़ी बनवा के खानी है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी ही एकदम बढ़िया बढ़िया रेसिपी आने वाली हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।